السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الزمن قائل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون معزز ولما كرام قابل اهترام حاذرين وساميين وناذرين दीनी मिल्ली भाइयों बुज़ुर्गों नौजवानों और परदा नशीन इस्लामी बहनों हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि शुरू ज़मीन पर जो भी इंसान रहता है ज़िंदगी गुजारता है इंसान होने की बुनियाद पर बशरी तकादे की बुनियाद पर जहाँ उससे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं ख़तएँ होती हैं वहीं पर एक इंसान और ख़ास तौर से एक इंसान जो मोमिन होता है इस एतबार से वो बहुत सारे आमाल सालिहा भी करता है नेक काम भी करता है और उसका मकसद होता है कि इस नेक काम के करने पर हमारे नाम आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, और ये नेकियां हमारे लिए ज़रिए निजात होंगी और जन्नत में जाने का सबब बनेंगी लेकिन बसाओकात ऐसा होता है कि उन नेकियों की इंसान हिफाजत नहीं कर पाता है इसलिए सलफ़ ने कहा है कि नेकियों का करना तो आसान है नेकियां हर इंसान कर लेता है लेकिन नेकियों की हिफाजत करना एक मुश्किल काम है तो नेकियों का कर लेना आसान है लेकिन नेकियों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए ये अमर सोचने का मकाम है और सोचने की बात है और गौर करने की बात है कि उन नेकियों की हिफाज़त कैसे की जाए आप यूँ समझें कि जिस तरीके से एक कंप्यूटर है जिसमें एक आदमी बहुत सारे डाटा उसमें होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं बरसों का साल साल का डाटा उस मेमोरी में महफूज होता है लेकिन कोई ऐसा वायरस आ जाता है कि बरसों का और घंटों का किया धरा सब ये उस वायरस की बुनियाद पर वो करप्ट हो जाता है और सारी मेहनत बेकार और रांगा हो जाती है तो ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान बहुत सारी नेकियां करता है लेकिन उन नेकियों की हिफाजत कर नहीं पाता है और कुछ ऐसी चीज़ें उससे हो जाती हैं कि वो बरसहाँ बरस की नेकियां उसके सेकंडों में और मिनटों में उसकी वो नेकियां ज़ाय हो जाती हैं बर्बाद हो जाती हैं तो आज के इस हफ़्तावारी प्रोग्राम में मुझे जिस मौजू पर आपके सामने कुछ गुफ्तु करनी है वो मौजू है जैसा कि आपने सुना कि आप अपने नेकियों की हिफाजत कैसे करेंगे नेकियों की हिफाजत कैसे करेंगे इस ताल्लुक़ से जो भी बातें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा उनको पॉइंट की शक्ल में नुकात की शक्ल में ताकि आप जब इस मजलिस से उठें तो कुछ नतीजा ले करके जाएं और अपने जहनो दिमाग में कुछ बातें बिठा करके जाएं कि अगर वो गुज्त अयाम में गुज्त दिनों में अगर वो चीज़ें लाइल की बुनियाद पर आपसे हो रही हूँ तो वो चीज़ें फ्यूचर में ना हों ताकि आपकी निकियों की हिफाजत हो सके और नेकियां आपके नाम आमाल में महफूज रह सकें कि उसका समरा और फ़ायदा आपको दुनिया में भी मिल सके और कल जब आपकी मौत हो उसका समरा और उसका फ़ायदा उसका बेनिफिट आपको क़ब्र में भी मिले और क़ब्र से जब आप मैदान महशर में उठाए जाएं तो वहाँ भी उसका समरा और फ़ायदा आपको जन्नत और जन्नत की नेमतों की शक्ल में मिल सके अल्लाह ताला हम सबको इसकी तोफी कदा फरमाए सबसे पहली चीज कि नेकियों की अगर आपको हिफाजत करनी है तो उस इंसान को सिर्क जैसे कबीरा और बड़े गुनाह से बचना होगा क्योंकि एक तरफ एक इंसान तहज्जुद गुजार हो पंज नमाज का पाबंद हो रोजे का पाबंद हो ज़क़़त का पाबंद हो हज उमरे का पाबंद हो तिलावत क़ुरान का पाबंद हो ज़िक्र असकार का पाबंद हो बहुत सारे आमाल साल का पाबंद हो नेक कामों का पाबंद हो लेकिन अगर एक तरफ उससे शर्क जैसा गुनाह हो रहा है ये तमाम चीज़ें भी कर रहा है मुसीबतें आई परेशानियाँ आई तो अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाने के बजाय किसी और के सामने हाथ उठा दे अल्लाह ताली को मुश्किल गुस्सा हाजत रवा समझने के बजाय किसी गैर को मुश्किल गुस्सा हाजत रवा समझ ले अल्लाह के सामने सरब सजूद होने के बजाय अपनी इस पेशानी को किसी गैर के सामने जा कर के किसी मजार किसी खानका पे टेक दे तो ये क्या चीज़ है यही शिरक है शिरक की सूरत में उसकी जो भी नेकियां हैं वो नेकियां सब ज़ाय हो जाएंगी वो नेकियां उसके नाम आमाल में महफूज न रहेंगी अल्लाह तबारक ताली ने सूरतलानाम की आयत नंबर अठासी एट्टी एट अल्लाह तरमाया वशरकू लहबल कि अगर उन्होंने शिरक किया तो उनके जो भी आमाल थे जिसे वो किया करते थे सब बर्बाद हो जाएंगे तो नेकियों की हिफाजत करनी है वो नेकियां आपके हमारे नाम आमाल में महफूज रहें तो पहली चीज़ क्या है इंसान को शिरक से बचना होगा सूरह जुमर की आयत नंबर 65 जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी आखर ज़मा मोहम्मद अरबी अलैहि वसल्लम को मुखातब किया और फ़रमाया लदीन मिन नबिनकब्लिक लइन त आपको और आपसे पहले जो अम्बिया हैं सबको इस बात की वही की गई है कि अगर तुमने शिर किया तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारा अनजाम खसारा पाने वालों में से होगा नबी करीम सल्लाम शर्क से पाक थे शिर से कोसों दूर थे आप तोहीद के दाई थे शहर मक्का की आप तारीफ पढ़िए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की तदा की तो पहले या कहाफ्ल हो ऐ लोगों तुम इस बात के कायल हो जाओ इस बात का इकरार कर लो कोई माबूद बरहक सिर्फ और सिर्फ कोई तो अल्लाह है इसी में तुम्हारी कामयाबी है तो अल्लाह के रसूल सल्लम शिरक से बहुत दूर थे तो बरदार थे और तोहद की दावत आपने इब्ता से लेकर आखिर तक आखिरी लम्हें तक अल्लाह के रसूल सल्लम तोहद की सदा बुलंद करते रहे लेकिन मुखातब नबी करीम सल्ला व्लम को अल्लाह ताला कर रहा है लेकिन ये हुक्म क्या है उम्मतियों के लिए दूसरी चीज़ कि नेकियों की अगर हिफाज़त करनी है कि आपकी नेकियां महफूज रहे तो इंसान को रियाकारी से बचना होगा इंसान अमल करता है ना नेक काम करता है ना लेकिन अगर नीयत लेव झील ना हो ये नमाज आपने पढ़ी नीयत अल्लाह की खुशनिदी ना हो नीयत ये ना हो कि नमाज ये अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है नमाज ये मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है कयामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा इसलिए आप नमाज पढ़ रहे हैं अगर नीयत ये ना हो नीयत ये हो कि लोग हमको नमाजी समझेंगे लोग हमको नमाजी समझेंगे तो यहाँ ये नमाज अल्लाह की खुशनुदी के लिए हुई कि रियाकारी के लिए हुई रियाकारी के लिए हुई अब जिस अमल में रिया नमूद पाया जाए वो अमल अल्लाह के

इध हबोदी तुम तरा बिकुम फिना फंदरू हल तजू नम जजा अल्लाह के रसूल सल्हसम ने फरमाया तुम लोगों के बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज का मुझे डर है वो शिरक असगर है साहब करामवान के बेदार मकज लोग थे कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी फौरन पूछते थे शर्म नहीं महसूस करते थे साहब कराम कहते हैं या रसूल अल्लाह को शिरकुल असगर, अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ये शिरक असगर ये छोटा शिर क्या है अल्लाह तो के रसूल सल अल्लाह वसम ने फरमाया रियाकारी, रियाकारी ये छोटा शिरक है अल्लाह तबारक तालमत के दिन जब बंदों के आमाल की जजा उनको दी जाएगी तो अल्लाह तबारा कहेगा कि जाओ उन लोगों के पास जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया के अंदर बहुत सारे आमाल किया करते थे तो देखो उसका बदला तुम पा रहे हो उनके पास नेकियों का बदला कौन देने वाला है अल्लाह देने वाला है कोई दे सकता है तो अल्लाह कह जाओ जिनको तुम दिखाते थे और जिनके लिए तुम काम करते थे जाओ देखो वहाँ तुमको बदला मिलेगा तो मालूम ये हुआ कि नेकियों की हिफाजत अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिया और नमूद से आपको बचना होगा आपके सामने सही मुस्लिम की इमारा की वो हदीस होगी जिसको आपने बारह इन मम्बरों मेहराब से सुना होगा कि क़्यामत के दिन तीन लोग सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने लाए जाएंगे वो तीन लोग कौन होंगे एक इंसान कारीन कुरान कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला होगा दूसरा इंसान शहीद होगा और तीसरा इंसान मालदार इंसान होगा तीनों लोगों के काम बड़े नहीं ला रहे होंगे इंसान अल्लाह की राह में अपने गर्दन को कटा दे और वो इंसान जिसका मशगला कुरान करीम को पढ़ना पढ़ाना हो और वो मालदार साहेब सरबत इंसान जो अपने माल को राह खैर में वजूह खैर में बिला दर खर्च करने वाला हो जाहिर सी बात है ये सब बड़े बड़े ही अहम और नेक काम है ये सब इन लोगों ने किया होगा लेकिन तीनों लोगों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा क्यों डाला जाएगा क्या वजह होगी वजह यह है कि ये सब काम इन लोगों ने किया था लेकिन मकसद अल्लाह की खुशनुदी नहीं थी मकसद रियाम था शोहरत तलबी थी और वो चीजें दुनिया में उनको मिल गई तो दूसरी चीज आप चाहते हैं कि आपकी नेकियां आपके नाम आमाल में महफूज रहें कल मैदान महशर में आपके काम आए आपको जन्नत में जाने का सबब बन सकें तो इंसान को रिया नमूद और शहरत तलबी से बचना होगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तब को इस बीमारी से बचाए और हमारे अमल में अल्लाह ताला खुलूस फरमाए तीसरी चीज कि नेकियों की हिफाजत आपको करनी है तो आपको एहसान जतलाने से बचना होगा एहसान जतलाने से और यह चीज यह बीमारी मर्दों से कहीं ज्यादा खवातीन के यहां होती है मर्द जो होता है अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में कर लेता है लेकिन हमारी जो बहनें हैं इनका हाज़मा ज़रा कमज़ोर होता है ये बेचारी बहुत जल्द ये आबे से बाहर हो जाती हैं और एहसान जतलाने की जो बीमारी है ये फौरन तीर दाग देती हैं गोली चला देती हैं कैसे एहसान जतलाया जाता है और इसीलिए मैं इस हवाले से मैं आप तमाम हजरात से कहना चाहूँगा कि आप किसी रिश्तेदार के साथ किसी दोस्त के साथ किसी पड़ोसी के साथ किसी रिश्तेदार के साथ हती कि अपने भाई बहन के साथ आप किसी किस्म की भलाई कर रहे हैं किसी किस्म का एहसान कर रहे हैं किसी किस्म का हेल्प कर रहे हैं तो उससे मत उम्मीद रखें कि आप बदले की उम्मीद अल्लाह से रखें किससे रखें अल्लाह से कि ये जो मैंने किया है ये जो मैं कर रहा हूँ इसका सिला और बदला अल्लाह ताला हमें आखिरत में देगा लेकिन जिसके साथ एहसान कर रहे हैं उससे बदले की उम्मीद ना रखें उससे अगर बदले की उम्मीद नहीं रखेंगे बदले की उम्मीद ज़मीन व आसमान के रब से रखेंगे तो आप एहसान जतलाने के लिए आपकी ज़ुबान नहीं खुलेगी शैतान आएगा गलाएगा कि कुछ तीर चला दो लेकिन वहीं पर आप सोचेंगे कि भाई ये तो सब कियाधरा चौपट हो जाएगा तो अपनी जुबान को आप कंट्रोल में रखेंगे और एहसान नहीं जतलाएंगे लेकिन अगर एहसान करते हुए उम्मीद है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे नमाजा इसको दे रहा हूँ हमारे एहसान तले दबे रहेगा कल कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी मेरे काम आ जाएगा अगर बदले का मामला है तो जब ज़रूरत पड़ी आपको उसकी और उसने कहा भाई माफ़ नहीं हो पाएगा तो फौरन आप एहसान जतलाने की जो गोली है वो फौरन फायर फार कर देंगे और जब फायर कर देंगे तो वो एहसान जो आपने बरसों किया है वो नेकी सब रायगा हो जाएगी बर्बाद हो जाएगी मिसाल के तौर पर आप यूं समझें कि आप अपने वतन से यहां आए खाली हाथ आए थे कुछ नहीं था कोई आया हाथ गाड़ी चलाया कोई फुटपाथ पे था कोई ओड़ा पाँव का करके सोया आज अल्लाह तारा ने नवाज दिया मिसाल के तौर पर है ना लोगों की लोग अपनी जो लोग बेदार मग्ज होते हैं जो दीनदार होते हैं जो दूरंदेश होते हैं अपना माजी नहीं भूलते हैं और जो अपना माजी नहीं भूलता है वो शर्कस नहीं होता है मतकबर नहीं होता है तो अपने वाक्याल लोग बयान करते हैं अब ठीक है आपको अल्लाह तारा ने नमाज दिया आपका कोई रिश्तेदार है कोई आपका भाई है कोई भतीजा है कोई भांजा है कोई और है हर एक को माल की हवस होती है कि भी हमारा बच्चा भी चला जाए हमारा बच्चा भी कुछ सीख लेगा तो कल ये भी सेट हो जाएगा अब पता चला वो आ गया आपके साथ आपके घर आपके गुडाउन पर रहने लगा आपने कुछ सहारा दिया कुछ आपने उसको ट्रेनिंग दी कुछ काम बताया धीरे धीरे वो भी मैदान में आ गया वो भी सेठ बन गया या सेठ ना भी बना किसी तरीके से उसका गुजर बसर होने लगा अब किसी मोड़ पर आपने कहा चल रात में वो दो बजे नासिक चलना है नहीं नहीं अंकल बहुत थका हूँ नहीं जा पाऊंगा या कुछ आपने कहा उसने कहा नहीं नहीं मामू नहीं हो पाएगा या भाईजान नहीं हो पाएगा जो भी रिश्ता रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए ठीक है भाई कोई बात नहीं लेकिन चूंकि आपने एहसान किया है बदले की उम्मीद थी कि उससे बदला जब कहूंगा जिस वक्त कहूंगा रात के दो बजे कहूंगा तो हमारे एहसान तले दबा रहेगा और फौरन कहेगा कि चलूंगा अगर बदले की उम्मीद है तो फिर गोली आप चलाओगे ही क्या कहोगे बोल गए बेटा वक्त था कि आए थे एक कटिंग के मोहताज थे चाय को क्या बोलते हैं पानी कम चाय देख पानी कम चाय के मोहताज थे बेटा मैंने किया मैंने किया मैंने किया भूल गए ये जुमला अदा करने में दो चार घंटा लगा कितना टाइम लगा दस बीस सेकंड दस बीस सेकंड में उस बच्चे को आप आया बच्चा वो बारह साल पंद्रह साल का बच्चा था आपके हाथ दस साल था आपने कितने पैसे खर्च किए कितने तरीके उसको समझाया बताया तमाम चीजें ये बारह पंद्रह साल की मेहनत और ये जो कुछ उसके साथ आपने किया सब रायगा हो गया ये नेकियां खत्म हो गई वो नेकियां जो आपके नामे आमाल में लिखी जा रही थी वो नेकियां सब जाय हो गई सब बर्बाद हो गई नेकियों की हिफाजत आप नहीं कर सके तो एहसान जतलाने से बचिए क्योंकि एहसान अगर आपने जतला दिया तो नेकियां आपकी रायगा हो गई नकियां आपके नामे आमाल में महफूज न रहें और नकियाँ तो महफूज भी ना रह सकें और उसके साथ उसकी सज़ा क्या है उसकी सज़ा जो है कि सही मुस्लिम की वो हदीस जिसे इमाम मुस्लिम रिमल्ला ने किताबुल ईमान के अंदर जिक्र किया है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और आवी हदीस इस हदीस के अबूदर रदी अल्लाह तू हैं फरमाते हैं لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم कि तीन ऐसे लोग हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उनसे हम कलाम नहीं होगा गुफ्तगू नहीं करेगा वला यंजुरु इलैहिम और ना ही नजरे रहमत से अल्लाह ताला उन्हें देखेगा वला युज़क्कीहिम और ना ही उन्हें उनके गुनाहों से अल्लाह ताला पाक फरमाएगा वह अजाबली और उनके लिए दर्दनाक खिताब होगा ये चार सदाएं बैक वक़्त किसको मिलेंगी तीन लोगों को चार सदाएं अगर आप गौर से सुने और जरा गौर करें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इस सेंटेंस को अल्लाह के रसूल सल्हलम ने तीन बार दोहराया तीन बार क्यों दोहराया ताकि जो सहाबे कराम हैं जो मौजूद हैं बैठे भी हैं सामने आपकी झुरमुड़ में वो पूरे तौर से मुतवजह हो जाए कि मामला कुछ डेंजर ही है कोई डेंजर और कोई भयानक ही चीज है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लाम इस जुमले को तीन तीन बार दोहरा रहे हैं इस वाक़ से शदीस से सबक तमाम दुआत को लेना चाहिए कि दावती मैदान में जब सामीन के सामने कोई बात रखी जाए और वो बात मोहतम बिसान हो तो उस बात को तीन बार दोहराना चाहिए ताकि जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़रा दिलो दिमाग के साथ मौलवी साहब के साथ हो जाए वरना सोए नहीं जब तीन बार कहा तो रावी हदीस अब उदर रजी अल्लाह ताली जो हैं कहते हैं और खसरू मन हम या रसूल कहा गए मिट गए बर्बाद हो गए खसारे में गए लोग कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि साहब रसूल समझ गए कि भाई अल्लाह के रसूल भी गोल मोल मुजमल बात कह रहे हैं लेकिन है मामला डेंजर कहा गए मिट गए बर्बाद हो गए कौन है अल्लाह के रसूल वसल्लम बताओ तो सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वल वल मन्नान फरमायालमुसबिल बिल वलमनफिकलत बिलहलफुलकादब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया कि अपने कपड़े को डटकाने वाला पाजामा तहबन जो भी पहन रहा हो टखने से नीचे लटकाने वाला हो वल मन्नान एहसान जतलाने वाला हो तीसरा जो अपने सामान को झूठी कस्में खा करके चलाने वाला हो आज अगर देखा जाए तो ये कबीरा मिन कबा जुनूब ये बड़े गुनाहों के फिर इसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हैं लेकिन देखा जाए तो लोगों की अक्सरियत इनमें मुलविस है तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ एहसान जतलाने की वजह से आपकी नेकियां महफूज नहीं रहेंगी आपकी नेकियां ज़ाय हो जाएंगी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर दो सौ चौसठ में निशात फरमायादी वल अज़ा ऐ ईमान वालो अपनी खैरात को एहसान जतला कर और तकलीफ पहुँचा कर बर्बाद मत करो तो एक कि अगर आपने एहसान जतला दिया आपकी नेकियां महफूज ना रहीं नेकियां ज़ाये हो गई नेकियां बर्बाद हो गई उसका जो अजर स्वब मिलना चाहिए उससे आप महरूम हो गए और उसके साथ ये चार सजाएं जो बैक वक्त ऐसे इंसान को कयामत के दिन मिलेंगी आप अंदाज़ा तो लगाइए दुनिया के अंदर देखिए आप एक इंसान किसी कंपनी में जॉब करता है अगर उस कंपनी का मैनेजर या बॉस अगर सुबह से शाम तक अगर उससे बात ना करे या आए और ऐसे नज़रों से ऐसे देख करके चला जाए तो इंसान के पाजामे ढीले हो जाएंगे होंगे कि नहीं होंगे ओ आज तो बोस आता था तो जब देखे जब फ़ोन करता था आज सुबह से शाम होंगे एक काल नहीं आया टेम्परेचर आज बॉस का हाई है क्या हमसे गलती होगी कौन सा ऐसा काम उससे हो गया कि आज तो बॉस एकदम नजरे मेरे ऊपर चढ़ाए हुई है दुनिया का बोस है ना? कंपनी से आपको निकाल भी दे हजारों कंपनियां हैं ना, जॉब मिल सकती है ना, फौरी तौर पर परेशानी हो सकती है लेकिन रजाक वो नहीं है रजाक ज़मीन व आसमान का रब है तो हमारी और आपकी ईमान की कमज़ोरी है कि उस वक्त उस दुनिया के एक हाकिम से जो एक कंपनी का मालिक है कंपनी का मैनेजर है उसकी मातहती में आप काम कर रहे हैं और आपके पाजामे ढीले हो गए जबकि उसका बदल मौजूद है बदेल मौजूद है अगर वो आपको निकाल भी दे गेट आउट कल से मत आना बहुत तो सी कंपनियां हैं रास्ता खुला हुआ है तो उससे इतना आप डर रहे हैं लेकिन आप इस अम्र की खतूरत और खतरनाकी को समझिए एहसान जतलाने का दुनिया के अंदर आपने एहसान जतलाया है और कल क़्यामत की नाजुक घड़ी में जब हर इंसान नजर इलाही का मोहताज होगा कि अल्लाह तबारक ताला रहमत की निगाह से भेज उसे मामला करे और अल्लाह ताला उससे गुफ्तगू करे लेकिन उस वक्त जब अल्लाह ताला ऐसे इंसान से नाराज होगा इंसान का क्या हाल होगा आप ही सोचिए अंदाजे तगाफुलपना हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी इसी तरीके से चौथी चीज कि अगर ये चीज भी इंसान चाहता है कि अपने नेकियों की हिफाजत करे और नेकियां कैसे उसकी नाम आमाल में महफूज रहें तो उसके लिए चाहिए कि अल्लाह ताला पर कस्में ना खाए बात समझ में नहीं आई होगी कि अल्लाह पर कसमें खाना उसको मैं मिसाल से वाजे करता हूं हमारे कितने भाई होते हैं कि पंज वक़्ता नमाज के पाबंद हैं और कने इस्लाम के पाबंद हैं अरकने ई ईमान के पाबंद हैं बहुत सारी आमाल सालिया करते हैं और कभी ऐसा होता है कि उनका कोई पड़ोसी है जो मोमिन ही है मुसलमान ही है या कोई रिश्तेदार ही है या कोई दोस्त है जो मस्जिद से कौसों दूर है रोज़े से कौसों दूर है ज़क़़त हज से कौसों दूर है बस ये है कि मुस्लिम है नाम अब्दुल्ला इब्राहिम है लेकिन नाम तो मुसलमान का है लेकिन काम जो है ये मुसलमान का नहीं है कहीं उसकी बात आ गई किसी मजलिस में किसी ने छेड़ दिया अरे वो अरे उसको तो अल्लाह माफी नहीं कर सकता है वो मर जाए तो सीधे जहन्नम में जाएगा होता तो है ना ठीक है आपकी तकवा है तारत है परहेजगारी है अल्लाह से दुआ करो अल्लाह पर साबित रखे अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए लेकिन ओवर मत हो जाओ ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि बस जन्नत के ठेकेदार आप ही होंगे जन्नत का कंट्राक आपके नाम से हो गया जन्नत में आप ही जाओगे और अगर आपके अलावा कोई इंसान ऐसा है जो नमाज से और इन चीज़ों से दूर है तो जहन्नम की सर्टिफिकेट आप दे दिए कि वो मर गया तो सीधे जहन्नम में जाएगा उसके तो बख्शिश का कोई सवाल ही नहीं है कितने लोग हैं जो जज्बात में आकर करे उसकी बात करते हो उस कमीने की उस नादान की मस्जिद में तो कभी देखा नहीं रमजान में हती की रमज़ान में खाना खाता है सिगरेट पीता रोजा नहीं रखता है अरे जक़ात ज़कात पाए तो खुद ले ले करोड़ों की जायदाद है ज़कात नहीं निकालता उसकी बात करते हो मर जाए सीधे जानने में जाएगा ये क्या है ये अल्लाह पर चैलेंज है आप कौन होते हैं देने वाले खात्मा खैर पर भी होता है और खात्मा भी होता है मुमकिन है कि आज वक्त का वो सर्कस इंसान है कल मरने से पहले हो सकता है तोबा की तोफ़ी मिल जाए मरते मरते हो सकता है कि वो मस्जिद में आ जाए वही सजदा उसका आखिरी सजदा हो या कोई ऐसा नेक काम कर बैठे मरते मरते कि वही उसके गुनाहों की मफरत का सबब बन जाए और अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए तो किस बुनियाद पर आपने ये सर्टिफिकेट जन जहन्नम की दे दी कि वह मर जाए तो सीधे जहनम में जाएगा तो नेकियों को अगर बचाना है नेकियों की हिफाजत करना चाहते हो नेक हो नेकी का काम कर रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो यह हदीस अभी आपके सामने सही मुस्लिम किताबुल किताबलबरबला बाबुल नहीं तकनीतानल्ला हदीस नंबर सिक्स सिक्स एट वन छियासठ सौ इकसठ इक्यासी नंबर की हदीस और इस हदीस के रवायत करने वाले जन्दु रज़ी अल्लाह न हो हैं फ़रमाते हैं कि अल्लाह है के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया الذي يتعلى علي الا اغفر لفلا فاني قد غفرت لفلان फोलान वाहबल अल्लाह के रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं कि एक इंसान ने ये कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह फलां को माफ नहीं कर सकता है अल्लाह की कसम अल्लाह ताला फला की मफ्रत कर ही नहीं सकता है तो अल्लाह ताला ने क्या कहा मंदल अच्छा अल्लाह ये कौन है जो मेरे ऊपर बातें करने वाला है Wha ये कौन है जो कसम खाने वाला है कि मैं फला को माफ नहीं कर सकता हूँ इसको कैसे जुरत हुई ये कौन है इसको जरूरत कैसे हुई कितना चैलेंज के साथ कह रहा है कि मैं अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक फलाँ इंसान को माफ़ी नहीं कर सकता है फला इंसान की मफरत नहीं हो सकती है कैसे इसने कहा अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नी कद गफरतु तोले खोला तो सुन बंदे खुदा मैंने उस फलाँ इंसान की मफरत फरमा दी जिसके बारे में तू चैलेंज कर रहा है कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला उसकी मफरत नहीं फरमाएगा तो सुन कद गफरतु तोले खोला मैंने उस बंदे की मफफरत फरमा दी मैंने उसे मफफरत का परवाना दे दिया उसके गुनाहों को मैंने माफ फरमा दिया वह तो वह और सुन तेरे अमल को मैंने बर्बाद कर दिया तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा नेकियां ज़ाय हो जाएंगी नेकियों की हिफाजत नहीं हो सकेगी इसलिए जज्बात में आकर के होश नहीं होना चाहिए जज्बात का नतीजा आम तौर से सिल होता है ईजा नहीं होता है जज्बात में जो भी इंसान फैसला करता है आम तौर से वो फैसला गलत होता है इसलिए जब किसी मजलिस में हों और इस किस्म की बातें हों किसी फासक व फाजिर इंसान का जिक्र आए तो एक मोमिन होने के नाहिए से आपका हमारा किरदार होना चाहिए कि अल्लाह ताली उससे हिदायत दे क्या करना चाहिए उसके लिए हिदायत की दुआएं करनी चाहिए ना कि आप जहन्नम की सर्टिफिकेट उसको दे दो तो जहन्नम की सर्टिफिकेट उसको दोगे और तुम्हारी जो ये नेकियां हैं ये नेकिया सब जाय हो जाएंगी ये नेकियां आपके नामे आमाल में महफूद न रहेंगी अल्लाह तबारक तला हमें जज्बात में आने से बचने की तोफ़ी कदा फरमाए पांचवी चीज़ कि नेकियों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं नेकियों की हिफाजत के लिए पांचवा नुस्खा यह है कि इंसान बिदात से दूर रहे इंसान बिदात से दूर रहे बिदात से इज्तनाब करे अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल लदीन आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व ला तुमतिलू आमालकुम मोमिनो तुम अल्लाह की इताअत करो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की इताअत करो वालाकुम और अपने अमल को बर्बाद मत करो मालूम यह हुआ कि इंसान जो भी अमल कर रहा है उसकी निगाह में वो अमल से अजर सवाब हो नीयत ये हो कि ये मैं अमल कर रहा हूँ यह काम कर रहा हूँ इस काम के करने पर हमें अजर सवाब मिलेगा हमारे नाम आमाल में नेकी लिखी जाएगी लेकिन उसका वो अमल अगर सुन्नत रसूल सल्लाम से हट करके है तो वो नेकी नहीं होगी वो नेकी रायगा और बर्बाद हो जाएगी इसलिए कि वो अमल सुन्नत रसूल सल्ला व् के खिलाफ है अभी आपने मग़रिब की नमाज तीन नक़ात फर्ज पढ़ी पढ़ी ना कोई तो इंसान चार रकात पढ़े तो बैनीत उसकी है कि एक रकात और करेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे रुकू करेंगे सजदा करेंगे फातिहा पढ़ेंगे सवाब ही मिलेगा तो नेकी लिखी जाएगी उसके नाम आम आल में क्यों नमाजी तो पढ़ा है तीन का चार पढ़ लिया है इसलिए कि वो सुन्नत नहीं वो भिदत्त है सुन्नत नहीं वो भिदत है आज देखिए हमारी कितनी बहनें हैं मुमकिन है कुछ खवातीन भी प्रोग्राम में है जैसा कि एलान से पता चला बाज बहनों के यहाँ वो पंचसूरा सूरा होता है ना पंचसूरा, सूरा वो पांच सूरतों की किताब होती है उसको जरूर पढ़ती हैं शोहरे नामदार को जाना है टिफिन ना तैयार हो हम पंचसूरा सूरा हम पढ़ेंगे पंचसूरा सूरा पढ़ने का सुनने से कोई सबूत नहीं है कि आप रोज़ाना इल्तिजाम के साथ फजर की नमाज करने के बाद उन्हीं पांच सूरतों की तिलावत करें और ना उन सूरतों के पढ़ने की कोई ख़ास फजीलत किसी सही हदीस में मौजूद है कि उसको पांच सूरतों को सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद इल्तिज़ाम के साथ पढ़ा जाए अब जाहिर सी बात है वो औरत पढ़ रही है वो ख़ातून पढ़ रही है लेकिन जाहिर सी बात है कि वो अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है इसलिए वो नेकी महफूज नहीं रह सकती वो नेकी उसकी निगाह में वो अमल बाईस अजर सवाब है लेकिन हिंदल्ला वो अमल बाई से अजर ववाब नहीं है इसलिए कि वो अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है अल्लाह ताला तनत रसूल की तबाह और पैरवी की तोफीक दे नेकियों की हफाजत आपको करनी है तो इस सिलसिले में छठी चीज़ और छठा अमल ये है कि इंसान ओर ज्यादती से बचे ओर ज्यादती से बचे ये म चाहे अपनों पर हो या गौरों गैरों पर हो कभी कभी इंसान सोचता है कि बीवी हमारी जैसे चाहो जैसे दबा लो होता है ना कुछ लोग होते कहते वन मैं शो, बस मैं शोहर हूँ अरे आप शोहर हो आप के बीवी के ऊपर हैं तो बीवी के हकूक आपके ऊपर है क्यों भूल जाते हो यह तरफा नहीं है शरीयत के अंदर तोज़ुन है अगर आप हक बीवी के ऊपर रखते हैं तो बीवी भी आपके ऊपर हक रखती है उसके भी हक़ है तो अब चाहे वो जुल्म और ज़्यादती चाहे आप अपनी बीवी पर करें चाहे अपने बच्चों पर करें चाहे अपने वालदेन पर करें या आम इंसान पर करें की चरिंद परिंद हैवानात पर भी जुल्म, जिस हम दीन के पाबंद हैं ये दीन इतना सुनहरा दीन है कि इस दीन ने उन जानवरों पर भी उन गूंगे मखलूक पर भी म करने से शरीयत ने मना किया है कि उस पर भी आप जुल्म नहीं कर सकते हैं वो जानवर है जाए कि आप इंसानों के ऊपर जुल्म करें तो नेकियों की हिफाजत करनी है कि आपकी नेकियां महफूज रहें और उसका सेला और बदला दुनिया में भी मिलता रहे और कल हश्र में भी उन नेकियों का सेला और बदला आपको जन्नत और जन्नत की नमतों की शक्ल में मिल सके तो उसके लिए क्या करना है कैसे आपकी वो नकियां महफूज रहेंगी आपको जुल्म और ज्यादती से भी बचना है और परहेज करना है इस सिलसिले में आपके सामने सही मुस्लिम किताबलबरूसला बाबू तहरम धुल्म की वो हदीस जिसके रवायत करने वाले मारूफ़ सहाब रसूल अब हर रदी अल्लाह तह जिनका नाम अब्दुलरम अबिन सखर अदौसी रदी अल्लाह है उस हदीस के रवायत करने वाले हैं और ये वो साहब रसूल हैं कि मर्द हजरात में सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल वसल्लम से डायरेक्ट हदीसों के रवायत करने वाले यही सहाबी रसूल हैं पाँच हजार तीन सौ चौहत्तर हदीसें इन्होंने अल्लाह के रसूल वसल्लम से डायरेक्ट सुनी थी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने सहाब कराम से पूछा अतर अल्लाह के रसूल वसल्लम ने साहब कर राम से जो आपकी झुरम में थे पूछा कि तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कंगाल मोहताज फ़कीर तंगदस कौन है तुम्हें कुछ मालूम है तो साहब कर राम रिजवान मजमैन ने कहा कि हम अपने दरमियान कंगाल फकीर मोहताज उस इंसान को समझते हैं जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान ना हों ज़रूरियात ज़िंदगी में क्या है पहनने के लिए कपड़े हैं रहने के लिए घर हो चलने के लिए सवारी हो यही है ना? और दीनार हो, दिरहम ना हो तो ऐसे इंसान को हम कंगाल फकीर, मोहताज तंगदस समझते हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमायानमफल मुफ्लिस मिन उम्मती याति यौम अल कियामा वजिका व सियाम व शत याति वक़द फा

अल्लाह के सामने साल मिलाया जाएगा कि वो नमाजी होगा रोज़े का पाबंद होगा जक़ात का पाबंद होगा ये अरकान इस्लाम है ना अरकान इस्लाम का पाबंद होगा अल्लाह के हकूक में नंबर वन पे होगा अरकान इस्लाम का ताल्लुक किससे है अल्लाह के हकूक से अल्लाह के हकूक में नंबर वन पर दर्जे ओला पे होगा लेकिन दूसरी तरफ जहां बंदों के हकूक होंगे जीरो क्या मामला होगा कि आएगा कि किसी को उसने गाली दी है तोहमत लगाई है माल हड़प कर लिया है मर्डर कर दिया है मारा है ये सब किससे इसका ताल्लुक है लोगों के हकूब से घर से निकला थोड़ा कुछ बात हुई सीधे मार धाड़ पे उतर आया गाली गुलूज पे उतर आया मौका पाया मार हड़प कर लिया कुछ ज्यादा मामला बढ़ा तीन सौ दो कर दिया मर्डर कर दिया ये सब क्या है बंदों के कोख दुनिया के अंदर तो बड़े तुर्रम खांत थे मार धाड़ शैतान भी हो सकता है भागता रहा हो जालिम इंसान से तो दुनिया के अंदर तो सब करके चले गए लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या है वाला रब का तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता अल्लाह के यहाँ अदल है इंसाफ है अब जब मैदान महसर में अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाओगे तो दुनिया के अंदर मामला क्या था बड़े मुतकी थे सफ़े अव्वल में रहने वाले थे गुज़ार भी थे नमाज पढ़ते सजदे के निशान पेशानी पे थे कपड़ा टखने से ऊपर था तकवा तहारत की बातें भी होती थी अल्लाह के हकूक़ में उन जैसा कोई नहीं मोहल्ले में मिसाल दी जाती है कि फला साहब बड़े मुतकी भाई एकामत उनकी सफ़े अवल में रहते हैं एकामत नहीं छूटती है लेकिन जहां बंदों के मामलात हैं वहां सबसे करीबी लोग इस दुनिया में कौन है इंसान के सबसे करीबी लोग बीवी है कि माँ बाप सही बोलिएगा घर से मामला उल्टा हो आ मामला उल्टा हो लेकिन हक का एतराफ़ कीजिए और अगर उल्टा है तो सीधा कर लीजिए क्या है अगर उल्टा हो तो सीधा कर लीजिए पहले माँ फिर बीवी दलील कहां से कौन बताएगा दलील कि पहले माँ है बाद में बीवी बच्चे हैं दुआ करते हैं ना क्या कहते हैं रब बिग फिर ली वाली वालिदई बीवी आई पहले बच्चा आया मेरी मफफरत फरमा दे और मेरे वालदे की तो ये है कि उसके सबसे करीबी लोग हैं जो माँ बाप हैं उसके सर से महफूज नहीं है बाकी लोगों को बाकी लोगों का नंबर बाद में आ रहा है तो ऐसा जालिम इंसान जब होगा तो दुनिया के अंदर तो चला गया मार धाड़ करके अब वहां आएगा तो नेकियों की झोली भरी हुई है रोज़ा है नमाज है जक़त है तलावत कुरान है जिक्रोजकार बहुत सारी नकिया मौजूद हैं लेकिन ये सारे लोग मौजूद हैं वो माँ भी आ गई बेटी भी आ गई बेटा भी आ गया पड़ोसी भी आ गया बिजनेस में शरीक वो बिजनेस पार्टनर भी आ गया हत्या के हवानात भी आ गए सब आ गए इसने मारा था इसने ये किया था इसने ये किया था क्या होगा वहाँ दुनिया के अंदर क्या होता है कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस लेकिन वहाँ सब सब ये सब तुर्रम खाते सब गायब हो जाएगा वहाँ कुछ नहीं चलने वाला है किसी मिनिस्टर का फोन आएगा वहां किसी सीएम पीएम का कुछ लगेगा, कुछ नहीं, ना तो किसी का काल आने वाला है कि हमारा आदमी है देख लेना ना अंडर टेबल कुछ चलने वाला है कुछ नहीं सब तिकड़ी गायब वहां तो नेकी और बदी का मामला है अब ये नेकियां जो इस इंसान की थी उन मजलूमों को दे दी जाएंगी आते गए लोग दिया जाए देते गए देते गए देते गए लेकिन अभी नेकियां इसकी पूरी खत्म हो गई नेकियां जो महफूज थी नाम आमाल में वो नेकियां सब खत्म हो गई लेकिन अभी अभी लोग मौजूद हैं जिनके साथ इसने जुल्मों सितम के पहाड़ दुनिया में तोड़े थे वो लोग मौजूद हैं क्या होगा नेकियां तो खत्म हो गई नेकियां नहीं बची अब क्या होगा कि उन लोगों को उन मजलूमों के गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे और फिर इसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा अल्लाह ताला हम सब लोगों को जहन्नम के अजाब से बचाए तो नेकियों की हिफाज़त करनी है तो हकूकुल्ला की पाबंदी के साथ हकूक उबाद की भी पाबंदी करनी होगी वरना रोज़ा नमाज करके हज उम्रा करके ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि बस हम जन्नत के ठेकेदार गए नहीं अगर ये है तो ये बहुत बड़ी भूल है नेकियों की हिफाजत करनी है तो हकूक उल्लाह के साथ बंदों के जो हकूक हैं उनको भी अदा करते जाओ वरना ये बंदे कयामत के दिन जन्नत में जाने से तुम्हारे लिए रुकावट बन जाएंगे और तुम्हारी ये सब नेकियां उनको दे दी जाएंगे तुम भिखारी हो जाओगे कलाश हो जाओगे एक एक नेकियों के मोहताज हो जाओगे हत्या की एक इंसान जब नेकियों का मोहताज हो जाएगा एक नेकी अगर किसी को कम पड़ जरूरत पड़ेगी एक शौहर अपनी बीवी से मिलेगा एक बाप अपने बेटे से मिलेगा जिस तरह की तफसीरबन ग में अब्दुल्लाबिन का कौल इस सिलसिले में मौजूद है कि इंसान अपनी बीवी से मिलेगा कहेगा मैं तुम्हारा शोहर नहीं था पहचाने बोले हाँ मेरे बड़े अच्छे शोहर थे बड़ी तारीफ करेगी कहेगा बस एक सवाल है वही तो एक नेकी हमारी कम पड़ रही है दे दो तो मसला हमारा हल हो जाए और बीवी कहेगी सॉरी माफ फरमाइए मेरे शोहर नामदार अगर मैं दे दू मेरी कम पड़ जाएगी तो मैं कहा जाऊंगी हाथ दिखा दी ना? और उसके लिए कितने ऐसे नादान और होते हैं जो माँ बाप को धक्का मार देते हैं होते कि नहीं होते हैं ऐसे भी कम अकल लोग होते हैं कि उस बीवी को खुश रखने के लिए कि बीवी खुश रहे बुढ़ापे में माँ बाप को साइड में लगा दिया और बीवी आपको रास्ता दिखा देगी सवारी बेटे से मिलेगा उससे भी पूछेगा वो भी कहा मेरे बड़े अब्बू थे ऐसा था वैसा था आपकी तारीफ के पुल बांध देगा उससे भी मिस्किन कहेगा बेटे जरा एक ने कहेगा आप सॉरी माफ करमाइएगा मैं दे दूं अगर मेरा कम पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा उस बच्चे की मुस्तकबल के लिए फ्यूचर के लिए कि बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए उसके लिए इंसान ने हराम और हलाल की तमीज़ नहीं की बिजनेस पार्टनर को भी साइड में कर दिया रिश्वत भी ले लिया नाजायज तरीके से माल भी इकट्ठा कर लिया कि बच्चे को तालीम दिलाना है हाई एजुकेशन उसमें इतना पैसा लग रहा है वो कैसे आए जैसे भी आए लेकिन एक टारगेट है एक हदफ है कि बच्चा हमारा वक्त का अपने फ़न का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो उसमें करोड़ों रुपये लग जाए लेकिन उसको देना है हराम तरीके से आए हलाल तरीके से कोई परवाह नहीं और तो बच्चा भी आपको साइड में लगा देगा कहेगा सॉरी तो नेकियों की हिफाजत करनी है तो इस दुनिया के अंदर रहते हुए जुल्म से ज़्यादती से बचो हकूक की अदायगी के साथ मंदों के हकूक अदा करो इसी तरीके से नेकियों की हिफाजत करनी है तो जैसे इंसान लोगों के बीच में होता है दिन के उजाले में होता है पब्लिक में होता है गुनाह करना चाहता है लेकिन उसको डर है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे अल्लाह का डर नहीं लेकिन लोगों का डर है सी कैमरा नजर आ गया सेफ हो रहा है पाजामा ढीला हो गया नहीं कुछ करेगा लेकिन जब तन्हाई में हुआ स्मार्ट मोबाइल पूरी दुनिया की सैर करो जिधर जाओ उधर जाओ हत्या की सुनने में आया कि एक ही बेडरूम में भाई भी है बहन भी है लेकिन जब लिहाफ ऊपर डाल लिए तो अंदर हर कोई सैर कर रहा है हर कोई सैर कर रहा है और मामला कहाँ से कहाँ तक तो पहुँचा वो चीज़ें जब लोग अपने सवालात अपने शवसार के पास रखते हैं तो पेशानी पे पसीना आ जाता है कि ये क्या हो गया तो उस बंद कमरे में जब इंसान मौजूद है तनहा है सिर्फ सी कैमरे नहीं कोई नहीं है तो उसमें दुनिया की खुराफात और दुनिया की बुराइयों में ये मोबाइल हाथ में है उगलियों के इशारे से पूरी दुनिया की खुराफात की कर रहा है तो इससे जैसे आप दिन के उजाले में लोगों के बीच में जैसे आप गुनाहों से बच रहे हैं तन्हाई में गुनाहों से बचना है लेकिन अगर तन्हाई में अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं तो यह हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूं यह हदीस सोनमाजा किताब बाब ज़िक्र जुनूब हदीस नंबर फोर टू फोर फाइव बयालीस सौ पैतालीस इस हदीस के रावी सोबान रज़ी अल्ला हैं फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लासम ने फ़रमाया ला मम उम्मती या तुन योम्याम बेहसनातिनसारीबा चिहा चम बैदा फैजाल हबा अमसूरा कला सोबान या रसूल अल्लाह शिफ़ हम लना

तहमा ये सऊदी अरब के साउथ में जुनूब में ये तहामा एक पहाड़ी एक एरिया है और उसकी पहाड़ी को तहमा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी का जिक्र किया कि ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन आएंगे उनकी नेकियां तहामा के सफ़ेद पहाड़ों की तरह से होंगी बहुत सारी नकियाँ उनकी होंगी लेकिन अल्लाह ताला उन्हें बिखरे हुए रेत की मानी बना देगा बिखरे हुए जर्रात की तरह से अल्लाह ताला उन्हें बना देगा यानी उनकी नेकियां रायगा हो जाएंगी बर्बाद हो जाएंगी उनकी नेकियां उसके नाम आमाल में महफूज नहीं होंगी महफूज नहीं रह जाएंगी तो अबू सोबान रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा उनके बारे में आप बता तो दीजिए उनके बारे में आप खुल करके मुझे बता दीजिए कि आखिर क्या चीज़ थी क्या कमी उनके अंदर थी ऐसा ना हो कि लामी में हम भी उनमें से हो जाएं हमसे कोई ऐसी चीज़ हो जाए हमें इल्म ना हो और हमारा भी शुमार उन्हीं लोगों में से हो जाए तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह लोग तुम्हारे भाई हैं और तुम्ही में से वो हैं वो कोई दूसरी मखलूक नहीं है तुम्हारे ही भाई हैं और मामला उनका ये है कि जैसे तुम रात को उठ करके तहजद पढ़ते हो रात को इबादत करते हो ऐसे वो भी इबादत करते खुदून अमिन कम आता खुद लेकिन मामला क्या है कमी क्या है वाला किन्न हम ईदा खलो बे महारी मिल्लाहा उनका जुर्म यह है कि जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह तला ने जिन चीज़ों को हराम ठहराया है उन चीज़ों को कर बैठते हैं अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचते नहीं हैं ये अमल उनसे हो जाता है और इसी अमल की बुनियाद पर उनकी नेकियां जो तहामा के पहाड़ के बराबर होंगी वो नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ गैर मकबूल होंगी और वो नेकियां उनके नाम आमाल में महफूज ना रह सकेंगी तो वक्त के तनाजुर में मैं सबसे पहले अपने आप को नसीहत करता हूँ फिर आप तमाम हजरात को कि स्मार्ट मोबाइल जो मौजूद है इसका फ़ायदा भी बहुत है और इसके नुकसान भी बहुत हैं इसलिए जब इस मोबाइल के साथ तन्हाई में हों तो इस हदीस को सामने रखें आप जाएंगे यूट्यूब पे कि फ़लाँ शेख की तकरीर सुनने के लिए वहीं साइड में कुछ और आ जाएगा आता है कि नहीं आता है हमारे कुछ नौजवानों ने बताया कि कुछ ऐप होता है या कुछ प्रोग्राम होता है डाल लीजिए तो चीज़ें नहीं आती बहरहाल उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए तो अब यह है कि जब आप बंद कमरे में हैं कोई नहीं है आपके सामने अल्लाह मौजूद है अल्लाह ताला को हर चीज़ पे नज़र है एक पत्ता भी ज़मीन पे गिरता है अल्लाह इल्म है रात के अंधेरे में सियाह चटान पर एक चूंटी भी चलती है अल्लाह ताला को उसका भी इल्म है हती कि हम वो बात जो कह नहीं सके हैं कर नहीं सके हैं दिलो दिमाग के अंदर अभी हम सोच रहे हैं अली मुम बिमा सदूर सीने की बातों से भी अल्लाह तबारा वाकिफ़ है उसका इल्म अल्लाह को है तो जब हम अधेरे हों और ये चीज़ें हों तो ये मोबाइल जो हमारे हाथ में हो इसका सही इस्तेमाल हो क्योंकि अगर इसका मिस यूज़ हुआ और दुनिया की जो खुराफात हैं उसकी सैर व्याहत कर ली तो ये हदीस सामने रखें कि बहुत सारी नेकियां जो आप कर चुके हैं वो नेकियां आपके नाम आमाल में महफूज होनी चाहिए लेकिन ये तन्हाई का ये अमल मुहर्रमा से और हराम चीज़ों से ना बचना ये ऐसा डेंजर वायरस है कि ये वायरस आपकी उन तमाम नेकियों को ज़ाय और बर्बाद कर देगा जैसे वायरस जो आपके कंप्यूटर में आ जाए आपके मेमोरी में आ जाए तो आपका पूरा डाटा ये ज़ाय और बर्बाद हो जाता है और घंटों की महीनों की सालों की मेहनत वो रायगा हो जाती है और उसका कोई शुमार नहीं हो जाता है तो बहरहाल ये चंद चीज़ें जो तकरीबन नौ तक पहुँची हैं मैंने आपके सामने आज के इस हफ्तावारी प्रोग्राम में रखा है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों को अपने अपनी नेकियों की हिफाजत करने की तोफ़ी अदाफरमा और किताब और सुन्नत के हवाले से जो ये अमूर आपके सामने पेश किए गए हैं इन उमूर से बचते हुए हम में से हर इंसान को अपनी नेकियों की हिफाजत की फ़िकर होनी चाहिए करनी चाहिए अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसकी तोफ़ीकदा फरमा मौला हम में से जो लोग इस दुनिया से रुखत हो चुके हैं जिनकी मौत कलमे तोहद पर हुई है खात्मा ईमान पर हुआ है मौला उन तमाम की मफ़रत फरमा दे मौला हमें हम से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा कामिला अजला फरमा मौला हम में से जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह है ताला उनकी कर्ज़ की अदायगी तोफ़ीकदा फरमा मौला हमारे मुआशरे और समाज में जो बच्चे अपने वालदेन के नाफ़रमान हैं अल्लाह तबारक ताला उन बच्चों को सही समझ की तोफ़ीकदा फरमा उन बच्चों को माँ बाप के कई फरमा बरदार बना दे वो बच्चे जो तरह तरह की अखलाकी गिरावटों के शिकार हैं अल्लाह तबारक ताल उन्हें अखलाके हसना से आरास्ता होने की तोफ़ीदा फरमा मौला उन बच्चों को उनके घर के लिए खानदान के लिए कौम के लिए समाज के लिए माशरे के लिए मौला उन्हें सूदमंद और नफ़ाब्श्श बना मौला हम जिस दिन भी मसाइल से दो चार हैं वो मसाइल चाहे वो सियासी हों समाजी होंसादी हों जिन भी मसाइल से हम दो चार हैं अल्लाह तबारक ताली उन तमाम मसाइल को तो हमारे लिए आसान फरमा दे मौला तो हम सब पर रहम फरमा हम तेरी रहमतों के मोहताज हैं अल्लाह ताला तो हम सब को हर खैर की अता फरमा हर शर और फितन फसाद से अल्लाह तबार ताला तो हम सब की हिफाजत फरमा व सल्ह व महम्मद व सल्लम व ही अलैकुम व वहम्त व बरकातहू